हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पांच ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में, या फिर इमरजेंसी मेडिसिन या ड्रग्स कह सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के कंडीशन में कौन से इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर फर्स्ट एड के अंदर, तो वह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंजेक्शन है इंजेक्शन एट्रोपिन, जिसका डोज होता है 0.4 mg/ml। इसका रूट IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस एंड सबक्यूटनस, ठीक है, इसको लगा सकते हैं। अब इसका यूज्ड टू ट्रीट ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया के कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट वन एंड एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट होता है एट्रोपिन। तो ये था हमारा फर्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन। सेकंड है फ्रोसामाइड, जिसको कहते हैं लैक्सिस, ठीक है, ब्रांड नेम होता है लैक्सिस या फिर फ्रोसामाइड कह सकते हैं। इसका डोज कितना होता है 20 mg/2 ml, यानी कि 20 mg होता है वो पर 2 ml, तो 1 ml में कितना आएगा आपको 10 mg। तो इसको यूज कैसे करते हैं, IM एंड IV रूट, ठीक है, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस इसको लगा सकते हैं। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में, और ये क्या करता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, जो बॉडी में जो फ्लूड होता है ये कॉस्मेटिक ड्रग होती है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूड को बाहर निकालती है, ठीक है, तो इसका यूज़ हो गया। ये हमारे यहाँ हो गई सेकंड इमरजेंसी इंजेक्शन फ्रोसामाइड। थर्ड में है इंजेक्शन डिगोसिन, इसका डोज कितना होता है 0.5 mg/2 ml, ठीक है, 2 ml भी हो सकता है या फिर पर ml भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका रूट क्या है, IV यूज ओनली, ठीक है, इसको IV यूज यानी कि इंट्रावीनस ही लगा सकते हैं। इसकी यूजेस की बात करें तो इरेगुलर हार्ट बीट एंड हार्ट फेलर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। तो ये था हमारा थर्ड इमरजेंसी इंजेक्शन। फोर्थ पर है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड KCL, ठीक है, इसका डोज कितना होता है 150 mg/ml। नेक्स्ट रूट फॉर IV इन्फ्यूजन ओनली, एक बड़ी सी एम्पुल देखी होगी आपने 10 ml के हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में, ठीक है, उसका यूज IV इन्फ्यूजन, ठीक है, ड्रिप के थ्रू या फिर इन्फ्यूजन पंप होता है उसके सहायता से देते हैं। इसका यूज किसके लिए होता है, यूज टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ इमरजेंसी इंजेक्शन। फिफ्थ है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसका डोज कितना होता है 100 mg/ml, पर एम एल कितना होता है 100 mg। अब इसका रूट IM एंड IV यूज, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस इसको लगा जाता है। नेक्स्ट वन यूजेस हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के पेशेंट को लगाया जाता है। तो ये हो गए हमारे 5 इमरजेंसी इंजेक्शन, या फिर कर सकते हैं इमरजेंसी ड्रग्स, ये जिसका यूज पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए करते हैं इमरजेंसी वार्ड में, या फिर आपको ICU में मिल जाएंगे, या फिर फर्स्ट एड के बॉक्स में, या फिर एम्बुलेंस के अंदर मिल जाएंगे। इसका सेकेंड पॉल जल्द ही देखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।